जब रात में मियाँ बीबी हम बिस्तरी करते हैं और हम बिस्तरी के बाद वो नापाक हो जाते हैं तो उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतें गुस्ल जनाबत यानी सोहबत के बाद गुस्ल किस तरह से करें। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है लेकिन तरीका मालूम न होने की वजह से वो ऐसे ही सो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के ताल्लुक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुस्ल फर्ज हो जाए हम बिस्तरी की वजह से या फिर किसी और वजह से तो उस वक्त क्या किया जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि औरत और मर्द के गुस्ल में क्या फर्क है। सबसे पहले जान ले कि गुस्ल के तीन फराइज हैं, जो कि मुंह भर के कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरे बदन पर पानी डालना। ये मर्द और औरत दोनों के लिए सेम है। फर्क ये है कि सबसे पहले जिस जगह गंदगी वगैरह लगी हो, जो शर्मगाह है, उस जगह को अच्छी तरह से धोना लाजमी है। यानी मर्द अपनी शर्मगाह धोएगा, औरत अपनी शर्मगाह धोएगी। जहाँ पर गंदगी लगी हो उसे साफ करनी है। गंदगी अच्छे से साफ कर लेने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथ अच्छी तरह से धो ले, हो सके तो साबुन से धो ले। उसके बाद मुंह भर कुल्ला करे, उसके बाद अपने नाक में पानी चढ़ाए जहाँ तक नरम हड्डी होती है। इसके बाद अच्छी तरह से अपने मुंह को धो ले, कोहनियों तक हाथ धो ले। इसके बाद पूरे जिस्म पर अच्छी तरह से पानी बढ़ाए, इस तरह कि एक बाल का कतरा भी बाकी न रहे। आखिर में पैर धो ले। तो ये था औरतों के गुस्ल जनाबत का मुकम्मल तरीका। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कर दे और अपने तमाम करीबी लोगों तक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसका सवाब इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से तमाम मुसलमानों को इल्मे दीन सीखना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।